हेलो फ्रेंड्स आज हम एक जीके सेक्शन की सीरीज़ लेकर आए हैं जिन भी मेरे भाइयों के एचपी फॉरेस्ट गार्ड एचपी पुलिस कांस्टेबल 2021 एसएससी जीडी का एग्जाम है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है जीके सेक्शन में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे और इसको हम पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं आज हम पार्ट वन स्टार्ट करेंगे और फ्रेंड्स मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद पॉजिटिव एटीट्यूड तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं हेलो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो इसमें आज हम टॉप फिफ्टी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनकी की बहुत ज़्यादा प्रॉबीबलिटी होती है एग्ज़ाम में आने की और जिन भी मेरे भाइयों के आगे एग्ज़ाम है एच पुलिस का एच फॉरेस्ट गार्ड का एच पी टैट एच पंचायत सेक्रेटरी एस सी जिन भी मेरे भाइयों के आगे एग्जाम है ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हर एक एग्जाम में रिपीट भी होते हैं और हर एक एग्जाम में, में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे मिलेंगे तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से हु रोट संस्कृत ग्रामर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर सेकेंड क्वेश्चन करते हैं द वर्ल्ड गोत्रा अक्कर फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन है ऋग्वेद और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद भी है ठीक है जी नेक्स्ट लेते हैं कंधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन डी महायाना सेक्ट ठीक है फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हु वॉज पॉपरली पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव ठीक है जी नेक्स्ट लेते हैं हैदर अली वॉज डिफीटेड एट बाय विच ब्रिटिश जनरल तो फ्रेंड्स आपको चार ऑप्शन बताना है तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन वी सर एरी गुड फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके हर एक एग्जाम में इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आने की नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय फ्रेंड्स महात्मा गांधी ऑप्शन ए महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत मैं तो ये बोलता हूँ कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन ना आता हो तो इसलिए महात्मा गांधी के ऊपर थोड़ा फोकस कर लो आपको मेरे चैनल में उसकी वीडियो मिल जाएगी आपके लिए वो सफिशिएंट रहेगी आप उसको एक बार देख लो दस, दस से पंद्रह मिनट की वो वीडियो है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी नेक्स्ट लेते हैं हु ऑज इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थ्राइस फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी दादा भाई नॉर ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रांग सेंटर ज बिन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ये किससे लिया गया है फेडरल सिस्टम ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू अप्रूव फाइव ईयर प्लान इज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसको हमेशा याद रखना अक्सर ये एग्जाम्स में पूछा जाता है तो इसका आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी नेशनल डिवेलपमेंट काउंसिल ठीक है फ्रेंड्स और नेक्स्ट ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंसेस ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज डन आफ्टर एवरी इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी टेन इयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स विच इज नॉट द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है friends, जी तो आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है तो आपका राइट आंसर होगा आपको देखते ही एजुकेशन पता लग जाएगा कि इसका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका रोल नहीं है क्योंकि रेलवे से भी हमारी इकोनॉमी बढ़ती है पावर सेक्टर से भी बढ़ती है रोड्स से भी बढ़ती है ठीक है जी नेक्स्ट आता है हु डिवेल्प द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो फ्रेंड्स इसको और इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी महमूद उल हक ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ये ऐसे क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो कि अक्सर एग्जाम्स में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं उन क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग इसका ऑप्शन सी रहेगा इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक भूकंप की तीव्रता को ये मापती है ठीक है फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इन विच स्टेट कुंडन कुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट ज लोकेटेड तो फ्रेंड्स इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी ये तमिलनाडु में है और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं द विलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय फ्रेंड्स इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी अनैमोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना आप जिनके मेरे भाइयों के एच पुलिस एचपी फॉरेस्ट गार्ड जिनके भी ये एग्जाम होने वाले हैं वो इनको इसको मार्क कर लेना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द स्काईज ब्ल्यू बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स सिनेवार इज एन ओर ऑफ सिनेवार किसका ओर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर मर्करी का ठीक है जी 151 डिस्कस करते हैं आयोडीन डेफिशिएंसी इन डाइट कॉज आहार में आयोडीन की कमी से क्या होता है आयोडीन की कमी से सबको पता है फ्रेंड्स गोइटर वेरी वेरी क्वेश्चन जी वन फिफ्टी टू डिस्कस करते हैं बाइल इज सेक्रेटेड बाय बाइल किसके द्वारा स्त्रावित होता है इसका होगा आपका ऑप्शन ए लीवर ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बान भट वॉज द कोर्ट पॉइंट ऑफ वि चैम्पर तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हर्षवर्धना इज राइट आंसर ठीक है जी हर्षवर्धना के दरबारी कवि थे बानवट ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक काफूर वाज़ द ट्रस्टेड जर्नल ऑफ मलिक काफूर किसका जर्नल था ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ये खुद नहीं जाता था अटैक करने ये अपने इस जर्नल को भेजता था जहां पे भी अटैक करना होता था ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं व्हेन डिड द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस मेट इन बॉम्बे इसका फ्रेंड्स 1885 इज अ राइट आंसर ठीक है जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट ऑप्शन बी देहरादून द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज यूपी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं द सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन फ्रेंड्स सियाचिन जल्दबाजी में हिमाचल मत लगा के आ जाना सियाचिन जो है कश्मीर में ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हेली कॉमेट हैज अ पीरियड ऑफ हैली धूमकेतू कितने वर्ष के बाद आता है फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज राइट छिहत्तर साल बाद आता है ठीक है जी द साइंस नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज इसका ऑप्शन सी आपका आंसर होगा एंटेमोलॉजी ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन पेन रिलीविंग ड्रग आर नोन एज इसका ऑप्शन डी होगा एनलजेसिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी न्यूक्लियर फ्यूजन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स द बुक बिलासपुर की कहानी वॉज रिटन बाय ऑप्शन इज राइट आंसर अक्सर सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन टेम्पल इज एट सन टेम्पल कहां है हिमाचल में नीरथ ऑप्शन इज राइट आंसर रेणुका इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन सी परसू रामा ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बजीर राम सिंह बिलोंग टू प्रिंसली स्टेट फ्रेंड्स इस इसका आंसर है ऑप्शन सी नूरपुर ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है द फेयर ऑफ बाबा बड़भा, बड़भाग सिंह इज हेल्ड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट तो इसका फ्रेंड्स होगा आपका ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज राइट आंसर उना में होता है ठीक है जी नेक्स्ट द प्लेस ऑफ 84 टेंपल इज 84 मंदिर कहां पे है बर्मोर चंबा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं च टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी रावी के किनारे कौन सा टाउन है ऑप्शन डी चंबा वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ महाराजा संसार चंद ऑप्शन बी इज राइट आंसर सुजानपुर तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहां पर एंड करते हैं आपके लिए और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोज आएंगी तो अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल में और भी बहुत सारी वीडियोस हैं उनको भी आप देख सकते हैं थैंक यू जय हिंद जय भारत